हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बनाने जा रहे हैं फटाफट बनने वाला नाश्ता, आटे का चिल्ला, जिसके लिए मैंने लिया है अराउंड 200 ग्राम आटा, पीसी हुई काली मिर्च, भुनी हुई कसूरी मेथी पाउडर, चॉप टमाटर, लाल मिर्च पाउडर, साबुत जीरा, नमक, ग्रेट बॉइल्ड पोटैटो और हमारा तेल। सबसे पहले हम एक खाली बाउल लेंगे, उसमें हम अपना 200 ग्राम आटा डाल देंगे। उसके बाद इसमें हम साबुत जीरा, स्वाद अनुसार नमक, मैं थोड़ा तेज खाता हूँ इसलिए थोड़ा तेज नमक डालूंगा, जैसा आप लोग खाएं वैसा यूज कीजिएगा, थोड़ी सी लाल मिर्च, कसूरी मेथी पाउडर, थोड़ा काली मिर्च पाउडर, टमाटर, ग्रेट किए हुए बॉइल्ड पोटैटो। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए बढ़िया से विस्क करें। ये देखिए, मिलाने के बाद इसमें अभी उतनी बढ़िया कंसिस्टेंसी नहीं आई है, इसीलिए अब हम इसमें थोड़ा सा और पानी मिला के और अच्छे से मिलाएंगे। ये देखिए, अब ये हमारा मिक्सर अच्छे से तैयार हो चुका है। अब आप देख रहे हैं कितना बढ़िया ये मिक्स हो चुका है। मिक्सर को रेडी करने के बाद पैन में हल्का सा तेल लेंगे और उसके गर्म होने के बाद हम पैन में मिक्सर को डाल के बराबर गोल करेंगे। दो से तीन मिनट तक नीचे से पकने का वेट करेंगे लो फ्लेम पे। देखिए, हमारा चिल्ला एक तरफ से पक चुका है, अब इसे पलट के दूसरी तरफ से पकाएंगे। ये देखिए, नीचे की तरफ से पकने के बाद कितना अच्छा कलर आया है। अब दो से तीन मिनट में ऊपर वाला हिस्सा भी अच्छे से पक जाएगा, उसके बाद हमारा चिल्ला बनके तैयार है। इसी तरह से आप एक दो तीन जितने चिल्ले बनाना चाहते हैं उतने बना सकते हैं। ये देखिए, हमारा चिल्ला बनकर तैयार हो चुका है। इसको आप पनीर भुर्जी, भाजी, किसी भी तरीदार सब्जी के साथ परोस सकते हैं, या ऐसे भी एज ए स्नैक्स बच्चों को ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं।